एक तो ये कि आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन तहे दिल से जिन जिन लोगों ने मेरे साथ रोज़ा रखा. रोज़ा वॉज ऑसम, यानी कि सहरी भी दबके की क्योंकि असद भाई साथ थे, सहरी भी दबके की. इफ्तारी तो हुमा बाजी ने, अजरा बाजी ने और वो एक और बाजी है हमारी जर्मनी से, उन्होंने, और एक कोई फल वाले पता नहीं कौन थे, पानी की बोतलों वाले, उनकी तरफ से. यानी कि द एवरी थिंग वॉज ऑसम. और खाने के बाद ये हुआ कि इसी सोफ़े के ऊपर जो ये नज़र आ रहा है बड़ा सोफ़ा जहाँ पे मेरा थंब है, मैं यहाँ पे 2 घंटे तक सो गया था फॉर अ चेंज. बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव. और वो किसी ने मैसेज, एवरी वन लव्स यू. येस आई लव एवरी वन एज वेल, इसमें नो डाउट अबाउट इट. एंड आई डोंट ओनली से इट, आई प्रूव इट विद माई एक्शंस. लेकिन थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और रोज़ा रखा. और ये बहुत ही, यानी कि जैसे कहते हैं कि एक अजीब किस्म की रैंडम चीज़ थी, बट वो एक करने वाला काम था मेरा, तो मैंने कर दिया. तो जिन जिन लोगों ने साथ रखा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए. और क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोज़ा, दैट्स द मेन थिंग. उसके बाद जो दुआ मांगे कि ये भी काम हो, वो काम के लिए तो कुरान मौजूद है, मगर रोज़े का जो है एक्सेप्ट हो जाए बस, वो रोज़ा कबूलियत की तरफ चला जाए, दैट्स मोर देन इनफ. और एक रोज़ा एक्सेप्ट हो जाए तो समझ लो पूरी लाइफ आपकी बख्श दी गई है. ये बड़ा रमज़ वाला बात है. समझ में आ जाए तो नुक्ता, ना आए तो NOTHING.